नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा की इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में कैदी को ताजमहल दिखाने लाई हिमाचल की पुलिस। हाथ में हथकड़ी लगाकर पहुंची कैदी तो अंदर जाने से रुका। जी हां दोस्तों, आगरा में हिमाचल पुलिस एक कैदी को ताजमहल दिखाने के लिए लाती है। कैदी के हाथ में हथकड़ी है, पुलिस उसे ताजमहल के गेट तक ले जाकर जाती है। इसी बीच एएसआई कैदी को ताजमहल के अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद पुलिस वहां से कैदी को लेकर निकल जाती है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। बताया जाता है सफ़ेद रंग की पुलिस जीप ताजमहल के पूर्वी गेट पर होटल अमल बिलास बेरेर के पास पहुंचती है। जीप में से एक पुलिसकर्मी और एक कैदी निकलते हैं। कैदी के हाथ में हथकड़ी है। दोनों ही पैदल चलते हुए पूर्वी गेट पर पहुंचते हैं। एएसआई और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। इससे पहले 3 पुलिसकर्मी भी साथ आए थे, उनके हाथ में भी हथियार थे। उन्हें भी हथियारों के साथ अंदर जाने से रोक दिया गया। इस पर पुलिसकर्मी हथियार लेकर स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ बैरियर के पास बैठ जाते हैं। कैदी के हाथ में हथकड़ी थी लेकिन उसे पुलिसकर्मी ने पकड़ा नहीं था। कैदी खुद ही आराम से चल रहा था। पुलिसकर्मी ने वीडियो बना रहे लोगों का विरोध किया, कैमरा छीनने की भी कोशिश की। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो स्थानीय पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इसके बाद हिमाचल पुलिसकर्मी ने कैदी का हाथ भी पकड़ लिया। एक कैदी को ताजमहल दिखाने लाना, उसकी हथकड़ी को ना पकड़ना हिमाचल प्रदेश के बीआईपी पुलिस ट्रीटमेंट पर चर्चा है और यह चर्चाएँ काफ़ी गर्म दिखाई दे रही हैं। स्थानीय पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें गेट तक आने दिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद का कहना है इस मामले की जांच कराई जाएगी। आप भी अपनी राय दें कमेंट में, क्या ये सही है, क्या किसी कैदी को ताजमहल दिखाने के लिए पुलिस का ले जाना सही है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीवी न्यूज़।